हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई स्पोर्ट्स शो में। आज हम बात करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की, जो आईपीएल 2024 में कैसी दिखने वाली है और कैसे महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 में अपनी प्रोबेबल प्लेइंग 11 उतारने वाले हैं। चलिए जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स जो 5 बार की चैंपियन टीम है, उसकी क्या है स्ट्रांगेस्ट प्लेइंग 11 जानते हैं। इस प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे एक अच्छी बारी की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स को दिलाते हैं और इस साल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। जहां अजिंक्य रिहाने पिछले साल में शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, अब इस टीम में डैरल मिचेल को लाया गया है, जो 14 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में डैरल मिचेल को शामिल किया है। शिवम दुबे तो एक अच्छे बल्लेबाज है, रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे जैसे रविंद्र जडेजा ने पिछले साल के आईपीएल में खेला था। महेंद्र सिंह धोनी टीम की कप्तानी करेंगे और विकेटकीपर बैट्समैन होंगे, जहां शार्दुल ठाकुर को इस टीम में शामिल किया गया है। दीपक चहर एक अच्छे गेंदबाज है, महेश दीक्षण और पथिराना जैसे गेंदबाज इस टीम में शामिल हैं। ये है चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। चलिए जानते हैं इस टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत मिडल ऑर्डर है, जहां डैरल मिचेल इस टीम में मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी, ये है इनका मिडल ऑर्डर। जहाँ ओपनिंग स्टार्ट भी ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे देंगे, जहाँ भारतीय एक अच्छे बल्लेबाज भारत के और न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे इस टीम की शुरुआत करेंगे, जहां कप्तानी का भी एक एक्स्ट्रा इनको फायदा मिलेगा महेंद्र सिंह धोनी का, जहां धोनी टीम की क्यादत और विकेट कीपिंग करेंगे। शार्दुल ठाकुर को इस टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर बुलाया गया है, जहां तेज गेंदबाजी भी शार्दुल ठाकुर करते हैं और उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। दीपक चाहर और महेश दीक्षणा एक अच्छे ऑलराउंडर और पथिराना एक बढ़िया तेज गेंदबाज हैं। ये हैं कुछ चेन्नई सुपर किंग्स का मेकअप, कुछ ऐसा रहने वाला है आईपीएल 2024 के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।